श्री कृष्ण कहते हैं कि आप दुनिया में उलझकर अपने सपने भूल जाते हो और दुनिया आपको परेशान करेगी, आपसे कहेगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपसे जलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आपके एक बार के छोटे से असफलता को बहुत बड़ा बना के आपको चिढ़ाएगी। आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उन्हें नज़रअंदाज करना सीखो और खुद पर विश्वास करना सीखो। आपकी मेहनत किसी न किसी जगह ज़रूर दिखेगी, आप बस थोड़ा सब्र रखो। आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप खुद उम्मीदों पर तो खड़े उतरोगे ही, बल्कि आप उससे भी बेहतर कर दिखाओगे। और अभी तक आपके जीवन में दुनिया का प्रेशर नहीं आया है तो आप अभी सफलता के रास्ते पर हो ही नहीं। आपके सामने जीवन में एक ना एक बार वो दिन ज़रूर आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। आप तो बस अकेले में ही अपनी ज़िंदगी और मेहनत की जंग लड़ते रहना। इस दौर से बहुत ही कम लोग कुछ सीख पाते हैं। हमें वो दिन नहीं आने देना है चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। इसलिए आपको सारी हदें पार करके आगे बढ़ना है। आपको सफलता के द्वार में जाना है तो आपको सारी हदें पार करनी ही होगी। आपकी जो भी खराब आदतें हो सारी आदतों को छोड़ना ही होगा और आपको अच्छी आदतें अपनानी ही होगी। आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ों को सीखें तो आप उसे एक बार अपना कर ज़रूर देखो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिनों तक करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि लाखों विद्यार्थियों की यही बुरी चीज़ है कि उन्हें ज्ञान फालतू का लगता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता तो उन्हें अपनाना ही नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता के रास्ते पर दिन कुछ नया करते रहना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे खुद को बदलना ज़रूरी है, पर बहुत लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं और एक समय के बाद सपनों को भूल के इसी ज़िंदगी में उलझ जाते हैं। आप स्कूल जाते हो, कहते हो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। मुख्य कारण तो यही है कि आपको पढ़ना ही नहीं है। स्कूल में तो पढ़ाई बराबर हो रही है पर बहाने ही हमें सफल होने से रोकते हैं। इसलिए बहाने बनाना बंद करो। आपकी सफलता के बीच में जो कुछ भी है उसे तोड़ मरोड़ डालो, उसे जैसे भी हो सके जल्दी छोड़ो। घर की प्रॉब्लम है, घर की जिम्मेदारी है, पढ़ने के इरादे से बाहर चले जाओ, वहाँ मेहनत हार्डवर्क करो। आपको रास्ते में जो भी समस्या आएगी उसका समाधान जल्द ही ढूंढो, क्योंकि आपके ही समाधान आपकी आने वाली ज़िंदगी बदल कर रख देगी। फैसला आप करेंगे, आपके फैसले पर ही दुनिया टिकी है। दुनिया का क्या है, आज आपके खिलाफ है लेकिन जब आपको सफलता मिल जाएगी तो सारी दुनिया आपके साथ हो जाएगी। दुनिया हमेशा अपने फैसले बदलते रहेगी। सिर्फ ये याद रखना कि कहीं आपके माता पिता का एक फैसला आपको कुछ ना कर पाने की वजह ना दे दे। इसलिए आज अपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत करो। कल समय भी आपका होगा, दिन भी आपका होगा, सिर्फ आज बस मेहनत कर लीजिए, कल सारी मुश्किलों का समाधान आपके पास हो। आज आपको जितना रास्ता दिख रहा है उतना आप पहले तय कीजिए, उसके आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। ज़िद करो और इतनी बड़ी खुद से ज़िद करो कि तुम अपने खुद को जीने का तरीका ही बदल डालो। आज तुम करोगे तो कल तुम्हें भी फायदा होगा। श्री कृष्ण ने कहा था, सफलता एक अविचल आदर्श है जिसका पाठ आपको विफलता से सीखना होगा। यदि आप गिरते हैं तो उठें, यदि आप हारते हैं तो जीतें। अपनी गलतियों को एक मौका समझें और उनसे सीखें। आपकी असफलताओं में भी आपके बड़े सपने छिपे होते हैं। अपने विफलताओं को मतलब से भरे और आगे बढ़ने के लिए एक नया उद्देश्य तय करें। जीवन आपको चुनौतियों से नहीं बल्कि आपके प्रतिस्पर्धी से मुकाबला करने का मौका देता है। एक सफल विद्यार्थी की पहचान ये नहीं है कि वह कितना अच्छा अंक प्राप्त करता है बल्कि ये कि वह किसी से कम नहीं है। आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी आप ही होंगे। अपने आप से मुकाबला करें और स्वयं के आगे निरंतर सुधार का मार्ग चुनें। आपकी सफलता एक और महत्वपूर्ण अंग आत्मविश्वास है। आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं को कमज़ोर मत समझें बल्कि अपनी शक्ति को पहचानें और उसे बढ़ावा दें। जब आप अपने अंदर से संचारी शक्ति को पकड़ेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं होगा। साथ ही आपको अपने सपनों को बनाए रखने के लिए सोचते रहना होगा। आपके लक्ष्य बड़े हो सकते हैं लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत, समर्पण और अध्ययन की आवश्यकता होती है।
आपको अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष करने के लिए तत्परता और सही दिशा में प्रयास करना ही होगा। याद रहे, अगर आपकी मेहनत और स्मरण सही है तो आपके सपने सच होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप सचमुच महान हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है और समर्पण के साथ काम करने की इच्छा है। जीवन में सभी मोड़ों पर अपना सामरिक मनोबल बनाए रखें और अपार सफलता की ओर बढ़ें। आप सभी के भीतर एक अद्वितीय संभावनाओं का समुद्र है। आपकी खुदरा प्रतिभा अद्भुत कला और निरंतरता से भरी योग्यता का परिचय कराती है। आप विचार कर सकते हैं, अपने सपने देख सकते हैं और इनको हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं। जब आप खुद को परिभाषित करते हैं तो सारी दुनिया आपके पास से गुजरती है। आपकी सोच, आपके विचार और आपकी भावनाएं आपकी शक्ति बनती है। आपकी सोच आपके कर्मों को प्रेरित करती है और कर्म से ही सफलता आती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच और उच्च मानसिकता बनाए रखें। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन आपकी मनोबल शक्ति आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने में मदद करेगी। यदि आप ताकतवर और अटल बने रहेंगे तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होगी। विफलता केवल एक मंच पर धकेलने का अर्थ नहीं है, बल्कि आप विजयी बनने के लिए आगे बढ़ने का एक और अवसर है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानें, अपने दोषों को स्वीकार करें और फिर से खड़े होने का प्रयास करें। आपके अंदर वह संगीत है जो सभी को प्रभावित कर सकता है। आपकी उम्मीदें और सपने हरी झंडी दिखा सकते हैं। अपने सपनों के पीछे भागो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो और कोई रुकावट तुम्हें नहीं रोक सकती। विद्यार्थी को कभी भी किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं, ना कि दूसरों के सहारे। उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो लोग उनकी पीठ पीछे शिकायतें करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता तहलका मचा दे। कहने का मतलब यह है कि लोग आपके पीठ पीछे चाहे जो भी कुछ कहें, आप अपनी तैयारी करते रहिए और तैयारी इस तरह से करिए कि आपका रिजल्ट निकले तो लोग देखकर हैरान हो जाए। उस स्टूडेंट के अंदर लड़ने की क्षमता है तो वह जीत सकता है। यदि वह स्टूडेंट सोया हुआ है, डरा हुआ है, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। हजार ऐसी वजह है जिनसे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पर उन्हें हजारों में एक ऐसा वजह भी होगी जिससे आप पढ़ सकते हैं। इसलिए आप उस वजह को ढूंढिए जो आपको पढ़ने का एक नया उत्साह दे। आप उन सभी चीज़ों की तरफ देखते हैं जो आपके पास नहीं है, और आप ही मन में ये सोचते हैं कि आपकी किस्मत कितनी ख़राब है, पर आप उनको देखिए जो आपसे नीचे, और वह आपको देखकर सोचते हैं कि उनकी किस्मत कितनी बुरी है। इसलिए आपके पास जो है उसी में ही कुछ करके दिखाइए, कुछ बनकर दिखाइए। यदि आप खुद की कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने कहा है कि आप जहाँ हैं उस जगह कभी ना कभी कोई और भी रहा होगा। किसी भी इंसान के अंदर एक ना एक अच्छी खूबी होती है जिससे अगर वह पहचान जाए तो वह उसे निखार सकता है। बस उसे वह अपनी खूबी को निकालना है। जिंदगी में सिर्फ सफल ही ना होना अच्छी बात नहीं होती है। असली सफलता तब काम आती है जब कोई आपके बड़े बुजुर्ग आप पर नाज करते, तब उसे ही असली सफलता कहते हैं। जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसको नहीं होती है, आगे रहने की इच्छा किसको नहीं होती है, पैसे कमाने की इच्छा किसको नहीं होती है। लेकिन आज हम चाहते हैं कि आपकी सबसे लास्ट में हो उस रिजल्ट में जिसका नाम है हार मानने वाले लोग। अगर आज मैं 100 लोगों से कहूँ कल आप लोगों को 4 बजे उठना है, अगर वह 100 लोग राजी भी हो जाएं, परंतु होगा ये कि उनमें से सिर्फ 80 लोग ही उठेंगे। दूसरे दिन क्या होगा, उससे भी कम लोग। तीसरे दिन उससे भी कम, चौथे दिन उससे भी कम। पर जो आदमी आखिरी दिन उठेगा वही व्यक्ति अपने जीवन में चुने हुए लक्ष्य को पाकर रहेगा। उस व्यक्ति ने चाहे जो भी लक्ष्य चुना हो, वह व्यक्ति उस लक्ष्य को पाकर रहेगा। और यही कारण है कि दुनिया जिस व्यक्ति को सबसे लास्ट में रखती है वही व्यक्ति जिंदगी की रेस में सबसे आगे होता है, और इसी वजह से उस व्यक्ति को उसके लाइफ में सब कुछ मिल जाता है जो बाकी लोगों को नहीं मिलता। वही 1% लोग आपके लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं जो 99% सुखों का त्याग, परंतु बनने का इरादा 100% होता है। जिंदगी में कुछ भी छोड़ने की हिम्मत कर लेना, मगर हिम्मत छोड़ने की हिम्मत कभी मत करना।
जिंदगी में कभी भी किसी भी हार को गले लगा लेना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को कभी गले मत लगाना। यदि आपको दुनिया में 1% लोग में आना है तो आपको उस माइंडसेट से निकलना होगा जिससे आपके अगल बगल के 99% लोग फंसे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने ठान लिया कि उस काम को करना है तो करना है, चाहे हासिल कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन जिस काम को मैं इतने दिन से लगा हूँ, जो टारगेट लेकर मैं बैठा हूँ, उस टारगेट के इरादे को घुटने टेकने नहीं दूँगा। और जिनके इरादे घुटने नहीं टेकते हैं वही लोग अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर पाते हैं। तो उठिए और अपना एक मजबूत इरादा बनाइए और अपनी ज़िंदगी को अपनी सफलता की ओर बढ़ाइए। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता कि किसी तरह कुछ खाने पीने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुँह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगे। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। ये घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत और ख़राब हो गई। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुना डाला। बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है, भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कामचोर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।